सभी मीडिया बंधुओं को अंडमान निकोबार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान जो समिति बना हुआ है इसकी ओर से आप सबको राम राम और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मंच पे उपस्थित अपने इस समिति के कार्यकर्ता और अध्यक्ष से आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी। स्वामी जी चिमना मिशन के महाराज है, आपको पता है। इसके साथ साथ ये जो समिति बना हुआ है इस समिति के अध्यक्ष है, सभापति है, और श्री दिनेश शर्मा जी इस समिति के उपाध्यक्ष है, और श्री अनूप गोपीनाथन इस समिति के महासचिव जनरल सेक्रेटरी का दायित्व है। मैं त्यागराजन इस समिति के सचिव हूँ, और आप है सन्मगम नाथन जी प्रचार प्रसार जो एक समिति का एक रूपरेखा होगा उसके इसका अध्यक्ष का दायित्व है इनको है। तो इस आज आप लोगों को प्रेस में बुलाने का क्या उद्देश्य है हमारा, उसके बारे में विस्तार से स्वामी जी आपको बताएंगे। उसके बाद में इसके और ब्रीफिंग जो होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर हम लोग मिल के दे देंगे। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान समिति की इस पहली पत्रकार परिषद में मैं समिति की ओर से यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि कई वर्षों के अथक प्रयासों के पश्चात, कोशिशों के पश्चात, बलिदान के पश्चात वह जो शुभ घड़ी है वो अभी बहुत निकट है। 22 जनवरी की जब अयोध्या में भगवान रामलला जो है वो उनका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, और केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में जहाँ जहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए ये गर्व, स्वाभिमान और हर्ष का विषय है कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का समय बहुत निकट है। अंडमान निकोबार में भी सारे देश के साथ में कई कार्यक्रम इस संदर्भ में आयोजित किए जा रहे हैं, और जो मुख्य जो संगठन है उससे जो हमें एक प्रपत्र प्राप्त हुआ है, जो कार्यक्रम मिला है, उस कार्यक्रम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हमने उस कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की है। एक जो कार्यक्रम है वो है श्री राम जय राम जय जय राम, ये एक महामंत्र है। तो अधिक से अधिक संख्या में मंदिरों में, अपने घरों में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं इस मंत्र का जाप करें, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार का आवाहन हम सभी लोगों से, सभी मंदिर की कमेटियों से, सभी परिवार के लोगों से हमारा आग्रह है कि इस मंत्र का जो जाप है वो अधिक से अधिक हो। दूसरा एक जो कार्यक्रम है 22 जनवरी को जो मुख्य कार्यक्रम है, जब अयोध्या में 11 से 1 बजे के बीच में भगवान का जब विग्रह का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा उस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी मंदिरों में हम सभी मंदिर की कमेटियों से आग्रह करते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक मंदिरों में कार्यक्रम हो, भजन हो सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ हो सकता है, श्री राम जय राम का जप हो सकता है, वो करें। उसके पश्चात यदि संभव है तो अपने मंदिरों में या जो और जो हमारे कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर एक बड़ा टीवी लगा करके अयोध्या में जो कार्यक्रम होगा उसका डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट लोगों को दिखाएं, और उसके पश्चात यदि संभव है तो सबके लिए अन्नदान की व्यवस्था हो, ऐसा आग्रह मैं श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान समिति की ओर से सभी मंदिरों की कमेटियों से और सभी और जो लोग कर सकते हैं उन सबसे हम आग्रह करते हैं। तीसरा जो कार्यक्रम है
उस दिन शाम को आप सब जानते हैं कि दीपावली भगवान के आने के उपलक्ष्य मनाई जाती है और उस दिन हम दीप जलाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा उत्सव है जब भगवान, मैंने उस दिन एक दिन कहा था कि त्रेता में तो केवल भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला, केवल 14 वर्ष का, लेकिन कलयुग में भगवान कितने वर्षों तक वनवास में रहे और वो भी अयोध्या में रहकर के वनवास में रहे। तो चूँकि भगवान अभी अपनी पूर्ण वैभव के साथ वापस आ रहे हैं तो 22 तारीख की शाम को हर मंदिर में, हर घर में कम से कम 5 दीपक हम सब जलाएं, अपने घर में जलाएं, मंदिरों में दीपक जलाएं। एक और जो विषय है कि हमारा ओम का जो फ्लैग है, झंडा है, वो अपने घरों में लगाएं, अपने वाहनों पे लगाएं। और हमारा कोशिश है कि उस दिन सारे शहर को, हिंदी में एक मुहावरा है, दुल्हन की तरह सजाना, क्या ऐसा बोलते हैं? जी जी जी, दुल्हन की तरह सजाना। तो हम कोशिश करेंगे और सबसे आवाहन भी करेंगे कि उस दिन 22 तारीख को हम सारे अपने पोर्टबेयर के शहर को और बाकी द्वीपों में जो और शहर है उन सबको दुल्हन की तरह हम सजाएं। तोरण द्वार है, जो वेलकम गेट्स हैं, ध्वज है, फूल है, उससे हम शहर को सजाएंगे और भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव है उसको हम लोग मनाने वाले हैं। और एक उत्तर भारत की एक परंपरा है कि जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो अक्षता दी जाती है। अक्षता बोलने से राइस मिक्स विद द टैमरिन, हल्दी जो है वो मिला हुआ चावल, अक्षता बोलते हैं उसको। तो अक्षता जाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 50,000 घरों में, 50,000 हाउसेस, 50,000 घरों में जाकर के हमारी कोशिश होगी कि हम 15 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में, 2 महीने का समय है, पोर्ट ब्लेयर से लेकर के तो कैम्बल वे तक और सारे आइलैंड में 50,000 घरों में हम वो अक्षता देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो 22 तारीख को जो जो कार्यक्रम हमने बताए वो उनका पालन करें। और उसके पश्चात जब ये मौका मिलता है, चूँकि 22 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ कार्यक्रम में रहेंगे, तो ज़्यादा लोग यदि वहाँ उपस्थित होंगे तो सबका मैनेजमेंट करना मुश्किल है। इसके लिए 22 तारीख को केवल इन्वाइटिस, जिन लोगों को बुलाया गया है केवल वही लोग वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात, 22 तारीख के पश्चात जब भी जिसको मौका मिलता है, आप सब मिला करके जब भी आपको मौका मिलता है अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के लोगों को, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जाइए और वो जो भव्य मंदिर जो अयोध्या में बना है और उसमें जो भगवान विराजित है उनका दर्शन करें। ये आग्रह हम 50,000 घरों में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में करने वाले हैं। और कुछ बताइए, जो भी इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं इस अभियान, ये अभी प्रोग्राम है और कई प्रोग्राम भी, चूँकि समय है तो अभी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहे हैं, लोगों के विचार अभी आ रहे हैं। तो ये तो हमने आपको बेसिक प्रोग्राम बताया, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, संभव है कि और कुछ प्रोग्राम उसमें ऐड करें। तो समय जैसे प्रोग्राम फाइनल होगा, प्रोग्राम जैसे बनेंगे, हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। यदि आपको यदि कुछ पूछना है, लेकिन मेरा निवेदन है इस विषय से संबंधित थी, कोई आपका प्रश्न है तो कृपया आप। उसमें देखिए ऐसा है, 4,000 संत केवल
4000 संतों को पूरे हिंदुस्तान से निमंत्रण मिला है। बाकी चूँकि वहाँ के अपने लोग हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका सिक्योरिटी का अपना एक आस्पेक्ट है, तो कुल मिलाकर के 4000 संत और उसके अलावा जो हमारी सेंट्रल कमेटी है विश्व हिंदू परिषद की या जो मंदिर निर्माण समिति की, उन्होंने जो तय किया है वो वहाँ रहेंगे। मेरे को एक निमंत्रण आया है, मुझे यहाँ से एक निमंत्रण मिला है और यदि भगवान की कृपा हुई तो मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। वो उसमें निमंत्रण खाली संत समाज को ही है, तो कमेटी से कोई भी नहीं जा रहा है, खाली महाराज जी ही जाएंगे वहाँ पे और अंडमान से कोई नहीं जा रहा। देखिए बाद में तारीख कब है, कोई तारीख दिया है यहाँ के बाद फरवरी के बाद, वो फरवरी वो बात फरवरी में प्राण प्रतिष्ठा। आपने जैसे कहा कि प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास और हमारे कलयुग में कई लंबे वर्षों का वनवास, वो भी अपने ही स्थान में, तो अब जब पूर्णतः आखिरकार मंदिर का प्रभु जी का श्री राम जी का अब मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा बन जा रहा है, तो इस वक्त क्या संदेश आप देना चाहेंगे तमाम लोगों को इस खुशी के अवसर? देखिए ऐसा है, राम एक व्यवस्था का नाम भी है ना? राम जी केवल एक भगवान है वो सही है, महापुरुष है ये भी सही है, परब्रह्म है ये भी सही है, लेकिन उसके साथ में एक व्यवस्था है। और इसके लिए आज़ादी के बाद में जब देश में जब स्वतंत्रता मिली तो हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा कि इस देश में रामराज्य आना चाहिए, ये उनका इच्छा थी। और रामराज्य का मतलब किसी विशेष समुदाय की व्यवस्था से नहीं, आप ये तुलसी रामायण पढ़ेंगे या वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, रामराज्य का मतलब है जहाँ सबको समान अवसर मिले, जहाँ सब सुखी हैं, वो रामराज्य है। तो अब चूँकि राम जी आए हैं इतने लंबे अंतराल के बाद में आए हैं, तो हमें विश्वास है कि राम जी के आने के बाद में जो गांधी जी की जो सोच थी कि राम राज आना चाहिए वो भी आएगा। नहीं, उसके लिए एक फॉर्म ये क्या बनाए ऐप कुछ आप बता दीजिए ये बनाए। सभी को नमस्कार। जैसे कि ये जो कार्यक्रम है ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रा के द्वारा निमंत्रण अक्षत निमंत्रण है कि जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था तब सारी जगह से सभीों ने जो है दान, हर हिंदुओं ने हर परिवारों से दान लिया गया, तो आज मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका तिथि भी तय हो चुका है। तो विषय ऐसा आ रहा है कि सभी जितने हिंदू समाज है परिवार है सभी को समिति के द्वारा अक्षत और निमंत्रण पत्र घर घर हम लोग पहुँचाएँगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो ये 15 जो दिसंबर है तब से लेकर जनवरी 15 तक हर हिंदू के परिवारों तक ये अक्षत और निमंत्रण पत्र, उसमें चावल रहेगा जो पूजित अयोध्या से जो चावल आएगा वो चावल, उसके साथ एक राम जी का मंदिर का फोटो और ये दो चीज़ें और निमंत्रण पत्र इसके साथ जो हमारे जितने कार्यकर्ता है ये है सभी को घर घर तक इसको पहुंचाएंगे। और आमंत्रण है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी हिंदू वहाँ पे पहुँच नहीं सकते क्योंकि वहाँ व्यवस्था के दृष्टि से बहुत ही मुश्किल है कि इतने लोगों को वहाँ पर व्यवस्था देना मुश्किल है, इसीलिए जितने भी लोग हैं वो अपने जो एरिया है मंदिर है इलाके हैं वहाँ उसी को ही एक अयोध्या के रूप में संकल्प करके वहाँ पे पूजन हो, मंदिर का अलंकार हो, दीप जला करके हर संभव जो कोशिश वो कर सकते हैं, जैसे दीपावली में हम लोग अपने घरों को सजाते हैं ऐसे अपने इलाकों को सजाकर उस दिन वहाँ पर कार्यक्रम करें। ऐसा आह्वान है कि अपने जगह पर ही अयोध्या को संकल्प करते हुए
ये जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन में कार्यक्रम को करना है। और जैसे स्वामी जी ने बताया, उसी दिन शाम को प्रत्येक हिंदू परिवार में 5 दीपक अवश्य जलाएं, ऐसे कार्यक्रम हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो अक्षत जो वितरण करना है, जो जैसे 50,000 का हम लोग ने लक्ष्य रखा है, तो वितरण करने के लिए हम लोग आज आपके माध्यम से ये भी आह्वान करें कि जो भी राम भक्त वॉलंटरीली स्वेच्छा से इस अक्षत वितरण जो कार्यक्रम है इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, अपना सेवा देना चाहते हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप में एक गूगल फॉर्म हमने तैयार किया है, जिसमें जो भी वॉलंटरीली ये एक महीना में जो अपना सेवा देना चाहते हैं वो अपना नाम डिटेल दे सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें अपना मैसेज को भेज सकते हैं। तो जैसे कि ये पूरे कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि हर एक हिंदू इसमें इस जो कार्यक्रम है इसमें अपना जो योगदान है वो दे सके। और जो समाज से जो आह्वान है कि मंदिर जाने का, ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हर एक राज्य के लोगों के लिए एक समय सीमा निश्चित किया गया है। वो समय सीमा में हर एक जगह के लोग जो है उस समय में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अंडमान बंगाल क्षेत्र के अंदर आता है, तो जब समय जो फरवरी का समय है वो टाइम में यहाँ से भी कुछ निश्चित लोग जो है दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे आने वाले दिन में ये दर्शन का कार्यक्रम जो है बहुत लंबा समय तक चलता रहेगा, जिससे कि सभी राम भक्तों को दर्शन का जो अवसर है वो समय के अनुसार मिल सके। नहीं, क्योंकि एक कुछ समय सीमा के अंदर में उतने लोगों को एक साथ बुलाना मुश्किल होगा, क्योंकि व्यवस्था वहाँ पे 1,00,000 लोगों का व्यवस्था है, उससे ज़्यादा लोगों को एक साथ वहाँ पे व्यवस्था देना मुश्किल है। इसलिए स्टेट्स को समय दिया गया है, एक एक स्टेट से लोग जावे, उसके बाद में जब ये एक बार दर्शन होगा उसके बाद सबके लिए कोई भी समय में वो जा सकते हैं। हिंदू होना चाहिए इसके लिए। जैसे बंगाल के क्षेत्र में अपना जो जो राम मंदिर पहला प्रायोरिटी ऐसे होता है कि जो आंदोलन से जुड़े हैं, राम मंदिर से जुड़े लोग हैं जो इस आंदोलन में भाग लिए हैं, तो उनके परिवारों को इसमें पहले रूप में वो जाएंगे, उसके बाद ऐसे करके ये कार्यक्रम बनेगा। इसका पूरा रूपरेखा आने वाले समय में ही वो क्लियर हो पाएगा। तो जब जब होगा आपको बुला करके इसका सूचना पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा। और इसमें क्या है, देखो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और कुल मिलाकर के हमारी स्टेट 28-30 है, एक महीने में सबका नंबर आ जाएगा। और एक महीने के पश्चात तो मंदिर बना है, इसके लिए क्या है कि लोग आकर के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। तो इन्होंने एक महीने का ही, क्योंकि आई थी उनका कि छोटा है मैनेज करना है, तो एक महीने के बाद आई थी मार्च में तो सबके लिए ओपन हो जाएगा। वो मार्च से तो कोई भी जा सकता है। और दूसरा मतलब सिलेक्शन का क्या कि देखिए उसमें है कि यहाँ से अंडमान से फरवरी में बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चों का CBSE का एग्ज़ाम रहेगा, ये सब रहेगा, तो ज़्यादा लोग शायद उतना 100 के हाथ में नंबर होता है तो उतना 100 नंबर भी कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितने लोग आएंगे तो उन्होंने कहा कि जो क्राइटेरिया है उससे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो इसमें ऐसे तय हुआ है कि पूरे जो पॉडबेर है या बाहर के इलाकों में भी अच्छी पूर्ण रूप से सजावट का कार्यक्रम है, जिस तरह दिवाली में हम लोग घरों को सजाते हैं, अपने मंदिरों को सजाते हैं, उस तरीका से हम पूरे अंडमान में भी इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। तो पॉडबेर नगर के अंदर में जितने भी होर्डिंग्स हैं उसमें भी उस दिन ऐसे कार्यक्रम है कि जो अपना मंदिर है, राम मंदिर रामलला का, उसका चित्र हम लोग पूरे होर्डिंग में लगाएंगे। तो ऐसे जो भी ट्रेडर्स इसमें में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको भी अपना जो उनका जो ट्रेड है उनके नाम से, उनका जो बिजनेस उनके नाम से वो बैनर वो लगा सकते हैं। तो अपना होर्डिंग लगाने के लिए संबंधित जानकारी के लिए आप एक संपर्क हमारा नंबर है उसमें संपर्क करेंगे, तो ऐसे 60 होर्डिंग्स पोर्टलर में है, तो प्रायोरिटी में हम लोग एक एक को वो होर्डिंग देंगे, वो अपने नाम के साथ में मंदिर का चित्र के साथ होर्डिंग वो लगा सकते हैं। उसके लिए अपने संगठन के जो दिए हुए नंबर में संपर्क करेंगे तो पूरा जानकारी उसमें हम लोग अवेलेबल। ऐसे सभी अगर होर्डिंग के लिए भी अगर किसी का रिक्विजिशन है तो वो 9474-264-550 में व्हाट्सअप
आकर के अपना जो है इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करेंगे, तो बाद में उसको समय अनुसार उसको कॉल करके पूरा डिटेल उनसे ले लेंगे। ऐसे विषय है। और गूगल फॉर्म भी, अपना गूगल फॉर्म भी है, जो लोग भी ये पूरे अभियान में इसके साथ जुड़ना चाहते हैं उसके लिए गूगल फॉर्म जारी है, उसका लिंक भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे उस लिंक में जा करके जो भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं, वो भी अपना पूरा डिटेल दे देंगे, तो हम लोग उनको भी इस पूरे जो कार्यक्रम है समारोह के साथ उनको भी हम लोग जोड़ देंगे।